हेलो दोस्तों, राधा स्वादा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ दिवाली के लिए बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी ड्राई मसाला कचौरी, जिसे फरसान कचौरी भी कहा जाता है। और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे आप एक बार बना के कई दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। खाने में कचौड़ी बहुत टेस्टी लगता है। इसमें आपको खट्टा मीठा तीखा चटपटा सारा टेस्ट मिलेगा और बहुत इजी है बनाना। इसे एक बार बना के आप इसे महीनों तक या फिर 15 दिन तक आराम से इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं इस कचौड़ी को कैसे बनाना है। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगा के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1.5 कप मैदा ले रही हूँ। आप यहाँ पे चाहे तो आधा आटा आधा मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार और 3 बड़ा चम्मच के करीब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ घी। आप यहाँ पे ऑयल भी ले सकते हैं। और अब बहुत ही अच्छे से हम यहाँ पे घी को इस तरह से रब करते हुए मैदे में मिक्स करेंगे ताकि हमारी जो कचौड़ी बनेगी वो बिल्कुल खस्ता और क्रिस्पी बने। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से मैंने ऑयल को मिक्स कर लिया। अब हम इस तरह से मुट्ठी बना रहे हैं। तो देखिए कितने अच्छे से ये मुट्ठी बन रहा है, यानी हमने इसमें मोइन जो है बहुत ही अच्छे से डाला है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका हम एक नरम सा डो तैयार करेंगे। यानी जिस तरह से हम रोटी के लिए डो लगाते हैं उसी तरह का हमें यहाँ पर डो लगाना है। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पर कचौरी बना रहे हैं तो हार्ड डो लगाना है। तो फ्रेंड्स, आप देखिए इस तरह का हमने एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के छोड़ देंगे कवर करके। तब तक हम इसके अंदर की जो स्टफिंग बनेगी उसके लिए हम एक मसाला तैयार करेंगे। तो एक पैन मैंने गैस पर रखा है, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच मैं यहाँ पे जीरा डाल रही हूँ और 1 चम्मच हम यहाँ पे सौंफ डालेंगे। और सारा जो मेजरमेंट है मैं नॉर्मल चम्मच से यूज़ ले रही हूँ, जो घर का नॉर्मल चम्मच होता है इसी चम्मच से मैंने सारा चीज़ लिया है। अब हम इसे लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट भूनेंगे। बस इसे हमें हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है ताकि इसका जो जब हम इसे ग्राइंड करें तो आसानी से ग्राइंड हो जाए। बहुत ही थोड़ा सा हम इसे भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, लगभग 2 से 3 मिनट मैंने इसे भून लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल। इससे एक बहुत ही अच्छा नटी फ्लेवर आएगा कचौड़ी में और साथ साथ मसालों की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाएगी तिल से। तो लो फ्लेम पर हम इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे सभी चीज़ों को साथ में ही। तो यहाँ पे देखिए सभी चीज़ों को भूनने के बाद अब हम इसे ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ठंडा करने के बाद एक मिक्सिंग जार में डाल दिया है और 2 चम्मच के करीब मैं यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ और इसका हम एक पाउडर तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी चीज़ों का हमने इस तरह का एक पाउडर तैयार कर लिया है। इसे हम साइड रख देते हैं, एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। और सेम जार में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 कप ये सेव जो बारीक भुजिया होता है वो डाल रही हूँ। और इसके साथ हम डालेंगे यहाँ पे 1/2 कप ये बूंदी। आप यहाँ पे कोई भी नमकीन, कोई भी मिक्सचर यहाँ पे ले सकते हैं, गाठिया या फिर कोई भी नमकीन, और इसे भी हम पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऑयल होता है उसके वजह से इसका जो टेक्सचर है हल्का सा दरदरा हो जाएगा। और अब हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं और जो हमने मसाले को पीस के रखा है उसे भी हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें बाकी के चीज़ों को डालेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच के करीब ये सत्तू डाल रही हूँ, बेसन नहीं डालूँगी, सत्तू डालेंगे। और इसके साथ हम इसमें डालेंगे नमक थोड़ा सा स्वाद के अनुसार। और इसके साथ मैं 2 पिंच के करीब हल्दी डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और 2 छोटी चम्मच मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इससे जो हमारा जो अंदर का स्टफिंग होगा उसमें एक बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और साथ साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ, लगभग 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम मैंने डाला है। अब मैं यहाँ पे डालूँगी टमेटो कैचअप, लगभग 2 से 3 बड़ा चम्मच के करीब टमेटो कैचअप डालेंगे ताकि सभी चीज़ें आपस में बाइंड हो सके। और अगर आप टमेटो केचप नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पे 1 से 2 बड़ा चम्मच इमली का पल्प डाल सकते हैं। यहाँ पे हमें इसमें पानी नहीं डालना है क्योंकि हमें कचौड़ियों को ड्राई बनाना है और इसे हमें स्टोर करके रखना है, इसीलिए हम इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। तो सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें 1 चम्मच के करीब सफ़ेद तिल ऊपर से डाल रही हूँ और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इन मसालों में से छोटे छोटे से बॉल्स बना के तैयार करेंगे। कचौड़ी का साइज़ आप जितना बड़ा रखना चाहते हैं उसी के अनुसार यहाँ पे आप मसालों का बॉल बना ले। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह का मीडियम साइज़ का बनाया है और सारे बॉल्स हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे क्योंकि कचौड़ी का साइज़ हम बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं बनाएंगे और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, इसीलिए मैंने इस साइज़ के बॉल्स जो है बना रही हूँ। तो सारे मसाले का मैंने बॉल बना लिया और 11 बॉल यहाँ पे बनके तैयार हुए हैं। तो अब जो हमने मैदे को गूंथ के रखा था उसे हम थोड़ा सा मसल लेंगे और 11 बॉल हम इसमें से भी तैयार कर लेंगे।
दिवाली आने वाली है तो इस तरह का जो नाश्ता है घर पे बना हुआ रहता है तो बहुत इजी हो जाता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 11 मैंने यहाँ पे लोई तैयार कर ली। अब हम एक लोई लेंगे, उसे हम इस तरह से चिकना करेंगे, उसके बाद हम इसे इस तरह से कटोरी का शेप देंगे। और अब हमने जो मसालों का बॉल बनाया है उसे हम इसके बीच में रखेंगे और जिस तरह से स्टफ़ करते हैं हम कचौरी को उसी तरह से हम इसे ऊपर से सील कर लेंगे। देखिए कितने आसानी से ये सील हो जाता है। और बहुत ज़्यादा अगर मैदा ऊपर बच जाएगा तो हम मैदा को हटा लेंगे, बट यहाँ पे देखिए ज़्यादा मैदा नहीं है तो हम इस तरह से बिल्कुल एक जैसा कर देंगे, या फिर आप थोड़ा सा पानी लगा के इसे इस तरह से चिकना कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे बिल्कुल इस तरह से गोल कर लेंगे और बिल्कुल एक जैसा हो गया देखिए हमारा कचौरी का बॉल। सारा बॉल मैंने इसी तरह से बना के तैयार कर लिया है और अब हम चलते हैं इन्हें फ्राई करने के लिए। हमारी जो कचौरी है वो मीडियम और लो फ्लेम पे फ्राई होगी, तो गैस का फ्लेम मैंने मीडियम और लो के बीच में रखा है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 7 कचौरी डाली है और इस तरह से हम चम्मच से हिलाते रहेंगे इस तरह से बीच बीच में, और इसे हम अच्छे से सिकने देंगे लो फ्लेम पे जब तक कि इसके ऊपर एक अच्छा सा सुनहरा कलर ना आ जाए। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से कचौरियाँ सीख रही है। और यहाँ पे मैंने रिफाइन ऑयल लिया है, आप चाहे तो इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से कचौरियों के ऊपर कलर आ रहा है। और हमें यहाँ पे इसे बहुत ज़्यादा देर एक साइड में नहीं छोड़ना है, नहीं तो एक साइड डार्क हो जाएगा और एक साइड लाइट हो जाएगा। तो हम इस तरह से बीच बीच में हिलाते रहेंगे और इसका एक सुनहरा कलर आने तक वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी अच्छे से हमारी ये कचौरी बिल्कुल फ्राई हो गई है और बिल्कुल एक जैसा कलर आया है और बहुत ही अच्छे से ये देखने में ही आपको लग रहा हो कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ और बाकी का जो फरसान कचौरी है उसे भी हम सेम तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स दिवाली स्पेशल हमारा ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हो गया। आप इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। 10 से 15 दिनों तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल मार्केट के जैसा ये फरसान ड्राई कचौरी बनके तैयार हुआ है, आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करना ना भूलें आपको ये कचौरी की रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दें, इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे फ्यूचर अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।